जो नमाज जाएंगे वो कहाँ जाएंगे, जो दरगाह पे हाजिरी देते हैं वो कहाँ जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम ओबराय होटल के सामने हैं, जो कि तस्वीर आपके सामने है कि मस्जिद में इस वक्त नमाज भी चल रही है, इमाम भी मौजूद हैं, तमाम तस्वीरें सामने हैं। वॉशरूम था, इन्होंने टेम्परेरी मस्जिद का, जो नमाज पढ़ने आते हैं जुम्मे के दिन, उन्हें लाइक वॉशरूम जाना होता है, वजू खाना बनाना होता है, इन्होंने ब्रूटली वॉशरूम हमने एक मेंटेन किया था कि जो भी बाहर से लोग, जो रास्ते में जाने वाले लोग जो इनकी नमाज नहीं पढ़ते हैं, वो जो निकल जाती है वो नमाज यहाँ पर अटेम्प्ट करते हैं, परफॉर्म करते हैं, उनके लिए वजू खाना था और ये वो था। खंडर बनाती हुई तस्वीरों को आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहले आलिशान मस्जिद हुआ करती थी, किस तरीके से दीवार को गिराया गया और सामान उठाने तक का भी वक्त नहीं दिया गया। पलपल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त ओबराय होटल आप मेरे सामने देख सकते हैं और ओबराय होटल के सामने ये मस्जिद, और आज 750 साल पुरानी मस्जिद को खंडर बनाने का काम किया गया है। खंडर बनाती हुई तस्वीरों को आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहले आलिशान मस्जिद हुआ करती थी, किस तरीके से दीवार को गिराया गया और सामान उठाने तक का भी वक्त नहीं दिया गया। और जब सामान उठाने का वक्त नहीं दिया गया तो लोग किस तरीके से अपने सामानों को इस खंडर में ढूंढ रहे हैं, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। और ये तस्वीरें लगातार दिल्ली के हर जगह से सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं। एक एक कर मस्जिदों को, दरगाहों को शहीद करने का काम किया जा रहा है। इस पर तमाम संगठन और तमाम राजनीतिक पार्टियां, जिन जो मुसलमानों का नुमाइंदा बन करके चुन करके भेजे जाते हैं, वो लोग इस पर क्या कर रहे हैं, ये तस्वीर आप लोगों के सामने है, जो कि कई लोगों से हम बात कर जानेंगे कि आखिरकार किस तरीके से ये कार्रवाई की गई है। आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर यह कार्रवाई हुई है, जो कि मस्जिद को शहीद करने का काम किया गया है। और इससे आगे भी मस्जिद है, आप यहाँ देख सकते हैं कि दरगाह है और दरगाह के ऊपर भी ये कार्रवाई, यहाँ पर से सामान हटवाए गए हैं। ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो आप लोगों के सामने हैं, और यहीं के जिम्मेदार लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कैसे ये पूरा मामला सामने आया। और अगर आप देख पा रहे होंगे तो आगे भी एक मस्जिद है, उस मस्जिद को भी शहीद करने का काम किया गया है, जो तस्वीर आपके सामने है। मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आखिरकार जो ये कार्रवाई आज की गई है, कोई नोटिस आप लोगों को इसके लिए दिया गया था, क्योंकि बीते दो दिन पहले भी ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही थी। हाँ, दो तीन दिन से रोज़ आ रहे हैं लोग, लेकिन कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया इन्होंने, और इन्होंने एकदम अचानक आके ही करा है सब कुछ। और इन्होंने ना हमें बताया क्या टूटेगा ना टूटेगा, हमसे तो कहते रहे ये नहीं टूटेगा वो नहीं टूटेगा, और अचानक आते ही सब कुछ टूट गया इन्होंने। और मस्जिद शहीद करने का भी इनका प्लान था, लेकिन हमने बहुत हाथ पैर जोड़े हैं, तो उन्होंने पुराने रिकॉर्डों पे थी ये मस्जिद, तो इसलिए तोड़ दिया, इसलिए छोड़ दिया उन्होंने, नहीं तो वरना ये ऊपर की शेड वगैरह सब हटा रहे थे लोग। सर, मसला ये है कि जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया था इंक्रोचमेंट का, उन्होंने वो तो करा नहीं। ये मेन मुद्दा लिया है डिमोलिशिंग पे, लास्टली इन्होंने 2017 में किया था, उसमें ये पूरा तोड़ गए थे, जितना भी ये सब बना हुआ था वहाँ तक, टोटल जो पेड़ वेड़ देख रहे हैं आप, पहले ये घर था, यहाँ हम रिहायशी रहते थे, यहाँ पे किसी का कब्जा नहीं था, हम हमारे मामू हैं, ये हमारे नाना की जगह है, हम बचपन से हमने यहाँ गुजार दिया। आज ये लोग कहते हैं कि ये हमारी जगह है, डीडीए वाले की, आप इस पे कैसे रह रहे हैं? अब ये तो है नहीं कोई अनऑथराइज रह लेगा इतने सालों से, कोई भी नहीं रह सकता सर। और गवर्नमेंट ये चाहती है कि ये लोग भेज दें, और यहाँ पे जितने भी हमारे बिल्डर्स हैं बाहर के, जो भी इनसे जुड़ा हुआ है, कि इसे पूरा एक ब्यूटिफिकेशन माहौल में बना दें, क्योंकि सामने ओबराय होटल है, ये चाहते हैं कि यहाँ पे भी एक छोटा सा माहौल बन जाए। पर ऐसा कैसे हो सकता है, बिकॉज ये हमारी खानदानी ज़मीनी नाना इलाही जगह है, हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। और रही बात एंकरेजमेंट की, तो उसमें आप ये समझो कि आप हमें बताओ, या हमें आप एक चीज़ ऐसे बताओ कि भाई हम इसको ऐसे जस्टिफाई करें, हम इसे कैसे मेंटेन करें। ये तो आके ब्रूटली तोड़ रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। इनके पास जो कोर्ट से ऑर्डर था सिर्फ इसको सेटलमेंट करने का था, इन्होंने सब डिमोलिश कर दिया। 120 साल हो गए इस जगह, 120 साल मतलब भाई कैसे बना हुआ है, जो ये बना हुआ है, बना हुआ है। हाँ, वैसे कितने सालों से आप यहाँ? 750 साल मैं ये जानना चाहूँगा जी, 750 साल पुरानी दरगाह है, यहाँ मस्जिद थे, खानका वगैरह सब थी, और यहाँ पे 2017 में भी
2017 में भी एकदम आके अचानक ऐसे ही टूट गया था उन्होंने, कोई मतलब नोटिस वगैरह नहीं दिया, ना कुछ हमें बताया, ना कुछ करा। ऐसे वक्फ बोर्ड ने भी काफ़ी कोशिश करी थी, लेकिन वक्फ बोर्ड भी उनके आगे नहीं चल पाई। चाहते तो मस्जिद तो रुक सकती थी, दरगाह रुक सकती थी, उसको भी नहीं रोक पाए। अब हमारा यही कहना है कि हमें सरकार से ये मसला है कि अगर आपने मस्जिद तोड़ी, हम लेटर बाथरूम जो नमाज जाएंगे वो कहाँ जाएंगे, जो दरगाह पे हाजिरी देते हैं वो कहाँ जाएंगे, आप उसके लिए रास्ता तो बताओ हमारे को। अगर वॉशरूम था, इन्होंने टेम्प्रेरी मस्जिद के जो नमाज पढ़ने आते हैं जुम्मे के दिन, उन्हें लाइक वॉशरूम जाना होता है, वजू खाना बनाना होता है, इन्होंने ब्रूटली वॉशरूम हमने एक मेंटेन किया था कि जो भी बाहर से लोग, जो रास्ते में जाने वाले लोग, जो इनकी नमाज नहीं पढ़ते हैं, वो जो निकल जाती है वो नमाज यहाँ पर अटेम्प्ट करते हैं, परफॉर्म करते हैं, उनके लिए वजू खाना था और ये वो था वॉशरूम, इन्होंने वो भी तोड़ दिया ब्रूटली। ये वजू खाना, ये इन्होंने टंकी वंकी, ये सब इसके जो पानी का हमने सप्लाई बनाई थी खुद, जो हमने खुद अपने मेहनत से करा है, इन्होंने यहाँ की इनकी सब डिमोलिश कर दिया है। ये परमानेंट नहीं था, सभी टेम्प्रेरी था, हमने इसलिए नहीं करा था पक्का, ताकि हमें पता था ये आगे अगेंस्ट एक एक्शन लेंगे, इसलिए हमने टेम्प्रेरी बनाया था, जो हमारे लिए और लोग लिए जो नमाज पढ़ते हैं यहाँ पे मुसलमान, उनके लिए भाई बहनों के लिए जो आसानी रहे, तो इस वजह से बनवाया था। तो इसके लिए आपने वक्फ बोर्ड से बातचीत की, वक्फ बोर्ड का किस तरीके का रुख है? अभी हमारी कोई वक्फ बोर्ड से बात नहीं हुई है, अगर वक्फ बोर्ड हमें पहले ही बोल देती है या डीडीए बोल देती है इंक्रोचमेंट है, इसको हटाओ आप, इसको सफाई करो, ये करो, तो ये तो हम भी कर सकते थे। पहली बात तो ये मतलब 1992 के नक्शे में सब कुछ बना हुआ है, और उसके बाद वक्फ बोर्ड के पास भी पूरा रिकॉर्ड है इसका, डीडी के पास भी रिकॉर्ड है, नोटराइज कुछ नहीं है, ये हमारा खानदान करता हुआ आ रहा काम, गजट में नाम है और हमारा गजट में सारा नाम है, गजट के नाम पे सब चढ़ा हुआ है, उसमें सब कुछ है। देखिए हम क्या कर सकते हैं, सरकार के आगे हमारी नहीं चलती ना हमारी सुनवाई होती है। गजट तक में नाम पूरा इसका इंक्लूड है, किस तरीके से ये कार्रवाई की गई फिर आप? ये सब आज से नहीं, कम से कम 150 साल हो गए हमारे सच्चे सुसर को यहाँ पर रहते हुए, उन्होंने इसको सजाया और बनाया है, आपको बताएं उसके हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पे गुजर गई, और उनकी सारी सबकी दरगाहें मौजूद हैं सामने, सारी लेंस हैंगी, सारे बुजुर्ग यहीं पे हैं जिन्होंने जिन्होंने इन जगह को संवारा है, 30-35 साल से 40 साल से यहाँ पर आई है, इन लोगों को 150-200 साल हो गए यहाँ पे करते हुए, वीराना था, जंगल था, जंगल के अंदर रहना और इसको वो करना, कभी कोई बात उन्होंने वो नहीं करी, ना ही कोई आता था, समझे आप। लेकिन क्या करा जाए, अब जब से डीडी आई है वो परेशान करती है, कहती है ये जगह हमारी है, कब्रस्तान डीडी से मतलब क्या है, कब्रस्तान का इतना बड़ा कब्रस्तान है, ये दरगाह है हज़रत फिरदौसी, समझे आप, मस्जिद भी है। मैं तो बोलना चाहता हूँ कि जो आज की डेट में डीडीए बोलती है कि ये एक पार्क है, तो आपको ये बता दिया जाए कि जो भी कब्रिस्तान कहीं पे भी जाके देखें पूरे हिंदुस्तान या वर्ल्ड में, या अभी हम बात करें हिंदुस्तान की, तो पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे भी जाके देखेंगे जो भी कब्रिस्तान अगर वहाँ पे अवेलेबल है, तो वो या तो पार्क नॉर्मल पार्क होगा या फिर वो कब्रिस्तान होगा, ना तो ऐसा नहीं हो सकता किसी भी कब्रिस्तान के अंदर से हम पार्क बना दें। यहाँ पे आज जो एक्शन लिया गया उसका कहना ये था कि वो ब्यूटिफिकेशन के तौर पे उसको कर रहे हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं बताई गई, तोड़ाई के बारे में बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी हमें, हमें ये नहीं बताया था कि आपको ये सारी चीज़ें टूटेंगी, और जो कि हम कोर्ट के आदर करते हुए सारी चीज़ों को लेके चल रहे थे, जो हमने नहीं बनाया, और 2017 में जो टूटा था एज इट इज़ स्ट्रक्चर हम छोड़ के गए थे, और उसको लेके जो आज की डेट में ये तोड़ाई हुई है, ये बिल्कुल एक तरह से देखा जाए सरासर गलत हुआ है, क्योंकि हम अनइन्फॉर्म्ड थे, हमें नहीं पता था हमारे साथ जो हो रहा है क्या हो रहा है। यहाँ यही बताया जा रहा था अगर लोग नहीं लगते उस वक्त में इस मस्जिद, जो मस्जिद का कोर्ट के अंदर नाम दिया गया है, उस मस्जिद के ये पार्ट और इन चीज़ों को बोल रहे हैं कि ये गलत बनाया गया है, जो कि कोर्ट खुद ये चीज़ कह रही है, ये जो मस्जिद हैं, जो दरगाहें हैं, जो सारी चीज़ें हैं वो मौजूद हैं, और वो उसको भी डिनाय कर रहे हैं, तो ये टोटली मेरे हिसाब से, या कोई भी इंसान अगर इसको देखता है, ये प्रॉपरली दिख रहा है कि एक तरीके से ये एजेंडे के थ्रू चल रहे हैं, और वो किसी भी तरीके से बेसलेस चीज़ों पे लड़ रहे हैं, बस वो चाह रहे हैं किसी का साथ मिल जाए, किसी का कुछ हो जाए। अब इधर वक्फ बोर्ड क्या कह रही है हमें नहीं पता, उन्होंने हमें भी नहीं बताया था कि इतना कुछ हो सकता है या ये तोड़ाई करेंगे, उन्होंने ये नहीं बताया था कि यहाँ वजू खाना और वॉशरूम जैसी जो बेसिक इस्लाम या किसी भी जगह पर आप जाएंगे, मंदिर या मस्जिद या कोई भी गुरुद्वारा, वहाँ पर वो बेसिक एक यूजेज के लिए चीज़ें होती हैं, क्योंकि नमाज 5 टाइम होती है, नमाज एक हफ्ते में नहीं होती है, 5 टाइम की नमाज होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी भी नमाज हो रही है, तो ये चीज़ें हर वक्त अवेलेबल होती हैं, 5 टाइम की नमाज होती है, लोग आते हैं नमाज पढ़ते हैं, लोगों को आने तक नहीं दिया जा रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि लोग आएंगे तो वो लोग ये चीज़ बोलेंगे कि भाई ये बेसिक आज की चीज़ें नहीं है,
और ऐसा नहीं है कि आज खड़ा कर दिया स्ट्रक्चर, भाई ये तो आपकी खुद की रिकॉर्ड बोल रही है, अवेलेबल हैं चीज़ें। तो जो चीज़ें अवेलेबल हैं, मतलब कायदे के तौर पे मेरा मानना ये है कि उसको सरकार को ये चाहिए कि जो चीज़ यहाँ पर पहले से स्ट्रक्चर अवेलेबल हैं इनको सिक्योर करा जाए, जो लोग यहाँ पर पहले से इतने सालों से पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ रहते आ रहे हैं उन लोगों को सिक्योर करा जाए। हम बिल्कुल इंक्रोचमेंट के अगेंस्ट हैं, हम नहीं बोल रहे इंक्रोचमेंट एक अच्छी चीज़ है, बट जो इंक्रोचमेंट कर रहे थे वो करके ख़त्म कर दिया गया, जो कि उन्होंने इंक्रोचमेंट का नाम दिया था, जो कि बिल्कुल सरासर गलत था। झुग्गियाँ बढ़ाई गई थी पीछे की साइड में और वो तोड़वा दी गई, शेल्टर डलवाया था उसको इंक्रोचमेंट बोल रहे थे और तोड़ के यहाँ पे हमारे परमानेंट घर गए थे। ये बहुत सरासर एक तरीके से ना हम सब लोगों के साथ गलत हुआ है। मैं व्यूवर से भी कहना चाहूँगा, क्योंकि जब ऐसी कार्रवाई की जाती है तो ये दिखा दिया जाता है कि देखिए कि कैसे अवैध निर्माण था, अवैध निर्माण को तोड़ा गया है। और आप यहाँ देखेंगे कि मस्जिद में इस वक्त नमाज भी चल रही है, इमाम भी मौजूद हैं, तमाम तस्वीरें सामने हैं, क्योंकि कल जुम्मे का दिन था, कल ये कार्रवाई नहीं हुई। अब आने वाले समय पर जब नमाजी आएंगे तो उन्हें किन तरीके के सामने दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जब डीडीए से बात की जाती है तो डीडीए बोल देता है कि जी अवैध निर्माण था इसलिए हमने इसको कार्रवाई की है। सर देखिए, आप मस्जिद का हमारा ये वजूखाना है और ये हमारा इसंजा का है मस्जिद की। अब मस्जिद में नमाजी आएंगे तो कहाँ इसंजे के नहीं जाएंगे और कहाँ वजू में मनाएंगे। और हमारे ये मस्जिद के नहीं, आते जाते लोग भी यहाँ पर इसंजा वगैरह करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन अब सब कुछ इन्होंने ध्वस्त कर दिया। अब ये डीडीए वाले ये बोलते हैं हमने 2017 में डोमिनेशन जो हुआ था तो इसके हिसाब से हमने किया है, लेकिन 2017 की वीडियो के हिसाब से भी इन्होंने डोमिनेशन नहीं किया, उससे एक्स्ट्रा ये डोमिनेशन करके गए आपके से, जो कि उसमें कागजों में या वीडियो में कहीं नहीं था। ये कागजों और वीडियो में कहीं नहीं था, बस एक एजेंडे के तहत जो है ये कार्रवाई लगातार मस्जिद और दरगाहों पर की जा रही है।